हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबडी हियर। जितने भी लोग आ गए हैं ऑनलाइन, सभी को वेरी गुड इवनिंग। सुनीता, नूतन, रोशनी, अनीता, अंजू, रोहिणी, शोभा, उजाली, नीलम, रेखा, आप सभी को वेरी गुड इवनिंग। क्लास में आप सबका वेलकम है। और जैसे आपको पता है कि आज की जो क्लास है वो आपकी प्रैक्टिस क्लास है, ठीक है। आज की जो क्लास है वो प्रैक्टिस क्लास है। टोटल 20 क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा समझ करके आंसर करने की। और लास्ट में, एट द एंड में, मुझे आप ये जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए आउट ऑफ 20। ओके, तो फटाफट से चलिए रेडी हो जाइए। और फटाफट से आप जो है, शिवांगी जी, वेरी गुड इवनिंग। चलिए कुछ जल्दी से मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपके सामने ला रही हूँ, ताकि आप जो है फटाफट से आंसर कर सकें। और क्वेश्चन के लास्ट में, सारे जो क्वेश्चन हो जाएंगे तो उसके लास्ट में आप मुझे जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कितने आपके गलत हुए हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। और पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि लियर इज वर्क ऑफ नाहनटेट, एडवर्ड बॉन्ड, कोवेंट्री पैटमोर, टैरी एग्लेटोन। तो जल्दी मुझे फटाफट से यहाँ पे आप आंसर करके बता सकते हैं कि ये जो लियर है, इट इज अ वर्क ऑफ। वेरी गुड इवनिंग करुणा जी, वेरी गुड इवनिंग शिवांगी, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबडी। जितने भी लोग यहाँ पर है सभी को वेरी गुड इवनिंग। चलिए फटाफट से मुझे आंसर करके बताइए। पहला यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने, और काफी अच्छे क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं। आप लोग एंड तक जरूर क्लास देखिएगा, आपको काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए जल्दी से मुझे बता दीजिए, लियर इज अ वर्क ऑफ नाहम टेट, एडवर्ड बॉन्ड, कोवेंट्री पैटमोर, टेरी एग्लेटोन। लियर, किंग लियर पर बेस्ड है ये, और किसका वर्क है? जल्दी से मुझे आंसर करके आप बता सकते हैं कि लियर किसका वर्क है। वेरी गुड इवनिंग अर्चना। तो चलिए मुझे फटाफट से आप बताइए, अनीता ने ऑप्शन ए चूज किया है, नाहम टेट का। आप मुझे बता सकते हैं कि जल्दी से कि किसका वर्क है लियर? लियर इज अ वर्क ऑफ, फटाफट से मुझे आंसर करिए कि किसका वर्क है लियर। और आपके ऑप्शन है नाहम टेट, एडवर्ड बॉन, कवेंट्री पैटमोर, टैरी एग्लिटॉन, एंड द करेक्ट आंसर इज। चलिए मैं यहाँ पे आपको आंसर भी करेक्ट बता देती हूँ कि करेक्ट आंसर क्या है। अभी तक जो आंसर आया हुआ है वो नाहम टेट का आंसर आ चुका है। निशा जी, वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जो आंसर है आपका, यस, वेरी गुड शोभा, वेरी गुड इवनिंग अंजू। टेट ने, नाहम टेट ने क्या करी थी? हैप्पी एंडिंग दी थी, ठीक है। हैप्पी एंडिंग दी थी किसको? हैप्पी एंडिंग दी थी किंग लियर को। किंग लियर में हैप्पी एंडिंग किसने दी थी? नाहम टेट ने दी थी। लेकिन लियर जो रीटेलिंग है किंग लियर की, ये एडवर्ड बॉन्ड की है, ठीक है। एडवर्ड बॉन्ड ने जो है जाकर के, एडवर्ड बॉन्ड ने लियर लिखा था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए नहीं होगा, सॉरी गाइज, यहाँ पर आपको ऑप्शन ए नहीं है। लियर इज 1971 थ्री एक्ट प्ले है, ठीक है। 1971 में इसको एडवर्ड बॉन्ड ने लिखा था, 1971, एंड दिस इज अ थ्री एक्ट प्ले, ठीक है। एडवर्ड बॉन्ड का है, री राइट है विलियम शेक्सपियर की किंग लियर का, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, किंग लियर की क्या है ये? री राइट है, फिर से इन्होंने एक रीटेलिंग करी है ऑफ किंग लियर। वेरी गुड इवनिंग आशीष। तो अभी कोई डेट नहीं है आशीष जी। तो ये एडवर्ड बॉन्ड इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। सेकेंड क्वेश्चन इज योर, विटमैन्स पोएम आउट ऑफ द क्रैडल एंडलेसली रॉकिंग हैज टू ओरिजिनल टाइटल्स बिफोर इट वॉज पब्लिश, फाइंड आउट द टाइटल्स। अ चाइल्ड्स रेमिनिसेंसेस, अ वॉइस आउट ऑफ द सी, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, देयर वॉज अ चाइल्ड वेंट फोर्थ। योर कोट इज ए एंड डी, ए एंड बी, बी एंड सी, बी एंड डी। चलिए जल्दी से मुझे आंसर करके आप बता सकते हैं कि सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। वॉल्ट विटमिन से ये क्वेश्चन है, अमेरिकन पोएट थे ये वॉल्ट विटमिन, और आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। वॉल्ट विटमैन जो थे विक्टोरियन एज, जब ब्रिटिश में लिटरेचर में आप विक्टोरियन एज पढ़ते हैं, तो अमेरिकन लिटरेचर में उसमें वॉल्ट विटमैन को पढ़ना होता है, क्योंकि ये सब कंटेम्प्रेरी हैं। तो वॉल्ट विटमैन हो गए, राल्फ वाल्डो एमर्सन हो गए, ये कंटेम्प्रेरी ही हैं मैथ्यू और नॉल्ट के, टेनिसन के। तो आप मुझे यहाँ पर बताइए, विटमैन्स पोएम आउट ऑफ द क्रैडल एंडलेसली रॉकिंग हैज टू ओरिजिनल टाइटल्स बिफोर इट वॉज पब्लिश, फाइंड आउट द टाइटल्स। अ चाइल्ड्स रेमिनिसेंसेस, अ वॉइस आउट ऑफ द सी, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, देयर वॉज अ चाइल्ड वेंट फोर्थ, ठीक है। योर ऑप्शन आर ए एंड डी, ए एंड बी, बी एंड सी, एंड बी एंड डी। चलिए जल्दी से मुझे आंसर आप करते रहिए, मुझे आंसर आप करिए। वेरी गुड इवनिंग अक्षिता। तो चलिए मुझे आंसर करके जल्दी से आप लोग बताइए कि क्या आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही लग रहा है। वेरी गुड इवनिंग प्रियंका। तो मुझे आप फटाफट से मुझे आप बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही होगा। अ चाइल्ड्स रेमिनिसेंसेस,
अवाइस आउट ऑफ द सी क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी देयर वॉज अ चाइल्ड वेंट फोर्थ. तो देखिए यहाँ पे ये जो पोएम है आउट ऑफ द क्रैडल एंडलेसली रॉकिंग, ये जो पोएम है एक्चुअली ये वॉल्ट विटमैन की पोएम है और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स या कह सकते हैं सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड पोएम मानी जाती है. और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये जो पोएम जो पब्लिश हुई थी तो इसके दो टाइटल थे. पहला टाइटल था इसका अ चाइल्ड्स रेमिनिसेंसेस. ठीक है, जब इसको लिखा गया था 1859 24 दिसंबर 1859 में ये अ चाइल्ड रैमनी सेंसेस के नाम से सैटरडे प्रेस में जाकर के पब्लिश हुई थी. बाद में इसको क्या हुआ है, बाद में इसको सी ड्राफ्ट में पब्लिश किया गया है, बट उसमें पब्लिश किया गया है अ वॉइस आउट ऑफ द सी के नाम से. ठीक है, तो अ वॉइस आउट ऑफ द सी के नाम से 1860 में जाकर के इसको पब्लिश किया गया और बाद में जो है इसे पब्लिश किया गया है किसके नाम से, आउट ऑफ द क्रैडल एंडलेसली रॉकिंग के नाम से. तो यहाँ पे सावित्री जी वेरी गुड इवनिंग. तो यहाँ पर जाकर के देखो यानी अ चाइल्ड रैमनी सेंसेस एंड अ वॉइस आउट ऑफ द सी, ये दो जो है इसके ओरिजिनल टाइटल थे बिफोर द मेन टाइटल पब्लिश टाइटल आउट ऑफ द क्रैडल एंडलेसली रॉकिंग. तो यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड बी, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, नॉट ए नॉट सी. ओके, बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर. तो चलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अ चाइल्ड रेमिनिसेंसेस एंड अ वॉइस आउट ऑफ द सी. कहीं कहीं पे आपको इसकी जगह वॉइस आउट ऑफ द सी की जगह अ वर्ड आउट ऑफ द सी भी मिल सकता है. ठीक है, तो अ चाइल्ड रेमिनिसेंसेस एंड अ वॉइस आउट ऑफ द सी इज द टू ओरिजिनल टाइटल ऑफ आउट ऑफ द क्रैडल एंडलेसली रॉकिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए है, फाइंड आउट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दीज वर्क्स, यूट द ऑब्स्क्योर फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड अंडर द ग्रीनवुड ट्री रिटर्न ऑफ द नेटिव. चलिए जल्दी से मुझे यहाँ पर आप आंसर कर सकते हैं कि ये थॉमस हार्डी के वर्क्स हैं. जैसे कि आपको भी पता है कि थॉमस हार्डी के नॉवेल्स आपके सामने लिखी हुई हैं और यहाँ पर आपको बताना है कि इसका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा. ठीक है, इसका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है. तो चलिए जल्दी से मुझे बता दीजिए इसका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा. यहाँ पर आपके सामने जो है वर्क लिखे हुए हैं तो मुझे आप इनका सही जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप मुझे बता सकते हैं कि सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इनका क्या होगा. चलिए जल्दी से मुझे आप बता दीजिए सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या होगा, बी डी सी ए, सी बी डी ए, डी बी सी ए, बी सी डी ए. चलिए आपके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है, क्या करेक्ट ऑर्डर इसका होना चाहिए. चलिए मुझे आप बता सकते हैं इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा. चलिए जल्दी से मुझे बता दीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा. बी ऑप्शन आप लोग चूज कर रहे हैं ज्यादा, अक्षिता ने, शिवांगी ने, सावित्री ने बी ऑप्शन चूज किया है, शोभा जी ने भी बी ऑप्शन चूज किया है. यस नूतन, इसमें से कई सारे क्वेश्चन नेट में आए थे, मैंने उसको इंक्लूड किया हुआ है. पहला भी क्वेश्चन नेट में आया हुआ था, सेकेंड वाला भी क्वेश्चन नेट में आया हुआ था. एंड जो कि आपका सिलेबस से रिलेटेड है तो ठीक है. तो चलिए यहाँ पर मुझे आप बताइए सही आंसर क्या होगा. यस वेरी गुड. देखिए सबसे पहले फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड 1874. देन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर द ग्रीन वुड ट्री. अंडर द ग्रीन वुड ट्री कब आया था, तो अंडर द ग्रीन वुड ट्री 1872 में आया था. एंड रिटर्न ऑफ द नेटिव की बात करें तो ये 1878 में आया था. एंड द लास्ट वर्क की जूड द ऑब्स्क्योर, आपको भी पता है कि सबसे लास्ट वर्क था नॉवेल में उनका, तो 1895 में ही आया था. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे पहले अंडर द ग्रीनवुड ट्री यानी सी ऑप्शन सबसे पहले, देन फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड ऑप्शन बी, देन रिटर्न ऑफ द नेटिव, देन ए. तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सी बी डी ए. ठीक है, सी बी डी ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, नॉट डी, इट्स बी. ठीक है, सबसे पहले आपका क्या था, 1872 में आपका वर्क आया है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, यानी सबसे पहले आपका सी ऑप्शन है, देन फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उसके बाद रिटर्न ऑफ द नेटिव, एंड उसके बाद ज्यूड द ऑब्स्क्योर. ओके, तो ऑप्शन आपके यहाँ पर थे और आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन. ओके, तो चलिए यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा. नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, टियर्स एलियट द इन्फ्लुएंस ऑफ मिल्टन ऑन इंग्लिश पोएट्री, क्रिस्टोफर हिल एनुअल लेक्चर ऑन मास्टर माइंड मिल्टन, विलियम हैजलिट मिल्टन एंड द इंग्लिश रिवोल्यूशन, डेक्स्टर रेमंड ऑफ शेक्सपियर एंड मिल्टन. तो यहाँ पर आपके सामने कोड है और कोड में यहाँ पे मैं नंबर डाल दे रही हूँ. पहला ये आपका सेकंड वाला हो गया, ये आपका थर्ड वाला हो गया, एंड ये आपका फोर्थ वाला हो गया. फोर ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है और आपको बताना है कौन सा सही है. यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है आपको. वेरी गुड इवनिंग रश्मि. तो चलिए जल्दी से यहाँ पे मुझे आप बता सकते हैं कि सही आंसर, सही जो मैच है वो किस राइटर से, किस क्रिटिक से, आप किसके वर्क को रिलेट, कौन से वर्क को रिलेट कर पाएंगे. ठीक है,
रश्मि जी मिल्टन से क्वेश्चन है, वॉल्ट पिटमैन से है, वर्ड्सवर्थ से है, शेक्सपियर से है, तो आप जान सकते हैं ये सारे ही लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट जो होती है वो पर्टिकुलर मैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम को माइंड में रख के नहीं बनाती हूँ। जो भी मैं प्रैक्टिस बनाती हूँ वो सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन बनाती हूँ, ताकि जो भी एग्जाम्स आप लिटरेचर से दे रहे हो, किसी भी स्टेट का दे रहे हो, उसमें आपको वो बेनिफिशियल रहे। ठीक है, तो पर्टिकुलर नेट की प्रैक्टिस नहीं है ये, हर एग्जाम जो कि लिटरेचर से रिलेटेड है, हर एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो चले यहाँ पर अगर बात करें तो टीएस एलियट, सबसे पहले टीएस एलियट है। टीएस एलियट का जो वर्क है वो है एनुअल लेक्चर ऑन मास्टरमाइंड मिलियन मिल्टन सॉरी। ठीक है, तो यानी ए वाले का यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। देन क्रिस्टोफर हिल का वर्क है यहाँ पे मिल्टन एंड द इंग्लिश रेवोल्यूशन, यानी बी में जो होगा ऑप्शन आपका वो आपका थर्ड वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, विलियम हैजलिट ऑफ शेक्सपियर एंड मिल्टन, ये उनका लेक्चर था ऑन मिल्टन पे जो उन्होंने लेक्चर दिया था, यानी सी वाले का फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। एंड यहाँ पे रेमंड डेक्सटर है, तो रेमंड डेक्सटर का वर्क था द इन्फ्लुएंस ऑफ मिल्टन ऑन इंग्लिश पोएट्री, यानी डी वाले में आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। और ये ऑप्शन आप मैच कर लीजिए किसके अंदर है। ठीक है, ये ऑप्शन किसके अंदर है, तो ये ऑप्शन आपका मैच कर रहा है बी वाले के अंदर। ठीक है, बी वाले के अंदर ये ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, यानी जो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपका मैच कर रहा है टीएस एलियट एनुअल लेक्चर ऑन मिस्टर मास्टर माइंड मिलियन, क्रिस्टोफर हिल का हो जाएगा मिल्टन एंड द इंग्लिश रिवोल्यूशन, विलियम हैजलिट ऑफ शेक्सपियर एंड मिल्टन, एंड रेमंड डेक्सटर इज द इन्फ्लुएंस ऑफ मिल्टन ऑन इंग्लिश पोएट्री। वेरी गुड इवनिंग मनीषा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द वर्क इन विच अ यंग मैन हु मस्ट सपोर्ट हिज मदर एंड सिस्टर आफ्टर हिज फादर डाइज, लिटिल नेल, निकोलस निकलबी, डॉम्बी एंड सन, द वुडलैंडर्स। तो चलिए जल्दी से मुझे यहाँ पे आंसर करके आप बता सकते हैं कि इसमें सही आंसर क्या होगा, ये भी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा। चलिए जल्दी से मुझे आप आंसर करके बताइए कि किस नॉवेल के अंदर ये स्टोरी है। फाइंड आउट द वर्क, फाइंड आउट द नॉवेल इन विच अ यंग मैन हु मस्ट सपोर्ट हिज मदर एंड सिस्टर आफ्टर हिज फादर डाइज। वेरी गुड इवनिंग प्रिया, सो गिव मी द करेक्ट आंसर, विच वन इज द करेक्ट हियर। सो लिटिल नील, निकोलस निकलबी, डॉम्बी एंड सन, द वुडलैंडर, विच वन इज द करेक्ट हियर। फाइंड आउट द वर्क इन विच अ यंग मैन हु मस्ट सपोर्ट हिज मदर एंड सिस्टर आफ्टर हिज फादर डाइज, लिटिल नील, निकोलस निकलबी, डॉम्बी एंड सन, एंड द वुडलैंडर। चलिए जल्दी से मुझे आंसर कीजिए, किसके अंदर ये आपको स्टोरी देखने के लिए मिलती है, जल्दी से मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए कि किसके अंदर आपको ये स्टोरी देखने के लिए मिलती है। ओके, तो डॉम्बी एंड सन से एक बार मैंने पहले भी क्वेश्चन पूछ रखा था कि ये एक डॉटर एंड सन के बीच का जो डायलमा है उसको डील करते हुए नॉवेल है। यहाँ पर जो स्टोरी है कि इसमें जो कैरेक्टर है वो है निकलबी। निकलबी का जो कैरेक्टर होता है ये क्या करता है, ही इज अ यंग मैन एंड ही मस्ट हैव ही हैज टू सपोर्ट हिज फैमिली आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। यस, वेरी गुड नीलम एंड नूतन, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, निकोलस निकलबी। ठीक है, निकोलस निकलबी इज द करेक्ट आंसर, द लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ निकोलस निकलबी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नॉट डॉम्बी एंड द सन, इट वॉज द निकोलस निकलबी, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन द सीरियल फॉर्म ऑफ 1838 to 1839। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, निकोलस निकलबी इज द कैरेक्टर हु सपोर्ट हिज मदर एंड सिस्टर आफ्टर हिज फादर डाइज। वेरी गुड इवनिंग कुसुम, इट्स द बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट इज, बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर टाइम्स विंग्ड चैरियट हरिंग नियर, दीज लाइन्स आर फ्रॉम एंड्रयू मार्वेल है, सॉरी एंड्रयू मॉर्टन्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है, एंड्रयू मार्वेल है, टू हिज क्वायर मिस्ट्रेस। ठीक है, एंड इट्स कॉन्सेप्ट हैज बीन यूज्ड इन वन द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएम ऑफ 20th सेंचुरी, आइडेंटिफाई द पोएम, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड फ्रॉग, द वेस्टलैंड चर्च गोइंग इन मेमोरियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर टाइम्स बीइंग चैरियट हरिंग नियर, दीज लाइन्स आर फ्रॉम एंड्रयू मार्वेल्स, टू हिज क्वायर मिस्ट्रेस, एंड इट्स कॉन्सेप्ट हैज बीन यूज्ड इन वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएम्स ऑफ 20th सेंचुरी, आइडेंटिफाई द पोएम, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड फ्रॉग, द वेस्ट लैंड, चर्च गोइंग इन मेमोरियम, विच वन इज द करेक्ट हियर। आपको बताना है ये जो लाइन है ये एक्चुअली टू हिज क्वायर मिस्ट्रेस की लाइन है, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही अच्छी पोएम में यूज किया गया है
और आपको बताना है उस पोयम को, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो पोयम कौन सी है, ठीक है, उस पोयम को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए मुझे जल्दी से आप बता दीजिए कि कौन सी पोयम है जिसमें इसको यूज किया गया है, जिसमें इसको यूज किया गया है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से मुझे आप यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन सी पोयम है जिसके अंदर इस लाइन को यूज किया गया, बट एट माई बैक आई ऑलवेज योर टाइम स्विंग चैरियट हरिंग नियर, ठीक है। ओरिजिनली इट वॉज द लाइन ऑफ टू हिज पोएम मिस्ट्रेस, बट इसको एक पोएम के अंदर में यूज किया गया है और आपको उसी पोएम को आइडेंटिफाई करनी है कि किस पोएम के अंदर में इसको यूज किया गया है, ठीक है। टू हिज पोएम मिस्ट्रेस की लाइन है, बट एट माई बैक आई ऑलवेज योर टाइम स्विंग चैरियट हरिंग नियर एंड यंडर आर बिफोर अ स्लाइड डिजर्ट ऑफ वॉस इटर्निटी। तो इसको किस में यूज किया गया है, चलिए ऑप्शन भी आ रहे हैं, बी ऑप्शन काफी लोगों ने दिया है, सी ऑप्शन भी दिया हुआ है, ओके ओके तो यहाँ पर देखो द वेस्ट लैंड इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। द वेस्ट लैंड में क्या है कि द वेस्ट लैंड में अगर बात की जाए तो उसमें दिखाया गया है कि जो सेक्स है वो है, सेक्स है वो मैकेनिकल एक मीनिंगलेस डिस्ट्रक्टिव वर्क हो चुका है इन द मॉडर्न एरा। और यहाँ पे एलियट ने क्या किया, एल्यूड किया इसी लाइन को बाद में, जो क्वेमिस्ट्रस की लाइन है इसी को एल्यूड किया है, लेकिन उसमें थोड़े से चेंजेस किए हैं, बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर को यहाँ पे चेंज उन्होंने कर दिया है और लाइन क्या लिखी है, बट एट माई बैक At my back in a cold blast, I hear the rattle of the bones and chuckle straight from ear to ear. तो ये मॉडर्न जो वर्क था द वेस्ट लैंड उसके अंदर इन्होंने इसी लाइन को अल्यूड किया है जो कि टू हिज क्वायम स्ट्रेस से रिलेटेड थी। वेरी गुड इवनिंग छाया। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके बिल्कुल सही है, जिन्होंने भी बी ऑप्शन चूज किया है द वेस्ट लैंड, ओके। एंड दीज लाइन्स, ये मैंने यहाँ पे लाइन भी लिख दी, आप चाहें तो इस लाइन को नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस इज बेस्ड ऑन गैम्बलिंग, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, ब्लीक हाउस, द मिस्ट्री ऑफ एडविन रूड, लिटिल डॉरिट। यस नीलम, चलिए यहाँ पे बताइए कि गैम्बलिंग की जो थीम थी, ठीक है, वो किस नॉवेल में थी। जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि किस नॉवेल के अंदर गैम्बलिंग की थीम चार्ल्स डिकेंस ने यूज करी है। जल्दी से मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। Your options are the old curiosity shop, bleak house, the mystery of Edwin Drood, little Dorrit. जल्दी से मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं किसके अंदर जो है वो उन्होंने यूज करी है थीम ऑफ गैम्बलिंग। चलो यहाँ पे मैं आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ। यस, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए ही है, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, जो कि आपकी पब्लिश हुई थी, फोर्थ नॉवेल थी एंड इट वाज पब्लिश इन मास्टर हम्फ्रेज क्लॉक, ठीक है, पीरियोडिकल में पब्लिश हुई थी 1841 में जाकर के। एंड इसमें जो करेक्टर है एक ऑर्फन गर्ल है, एक यंग गर्ल है नेल ट्रेंट का, ठीक है, लिटिल नेल जिसको मैं बोलती हूँ, लिटिल नेल का जो कैरेक्टर है नेल ट्रेंट का, ये 14 इयर्स की है एंड इसके ग्रैंडफादर है जिनके साथ ये रहती है, जिनका कोई नेम नहीं दिया है, और इसके जो ग्रैंडफादर है ही वांटेड टू इंश्योर दैट नेल इज वेल प्रोवाइडेड फॉर, और इसके लिए वो क्या करते हैं, वो गैम्बलिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, वो गैम्बलिंग स्टार्ट कर देते हैं, गैम्बलिंग हैबिट हो जाती है उनकी, एक ओल्ड पुरानी क्यूरियोसिटी शॉप होती है, लेकिन गैम्बलिंग की वजह से वो एक डेनियल क्विलिप नाम का एक इसमें कैरेक्टर है, विलन है, जो उसको उससे कुछ पैसा ले लेते हैं, पैसा मतलब जो है वो गैम्बलिंग में हार जाते हैं। तो द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप जो है इसकी जो थीम है ये बेस्ड है गैम्बलिंग पर, जो कि नेल ट्रेंट के ग्रैंडफादर की हैबिट हो जाती है। तो यहाँ पर ठीक है लिटिल डॉरिट में ऐसा नहीं है, तो द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो नेक्स्ट है यहाँ पे द नाइटमेयर एबे 1818 इज अ सटायर ऑन द करेंट टेस्ट फॉर गॉथिक मिस्ट्री एंड रोमांटिक डिस्पेयर, ही ऑल्सो कैरिकेचर्ड, ही मीन्स थॉमस लव पीकॉक, ठीक है, द नाइटमेयर एबे इज द वर्क ऑफ थॉमस लव पीकॉक।
He also caricatured some of the authors of the period. Which among the following character and caricatured list is unmasked? तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर अनमैस्ड कैरिकेचर लिस्ट आपको यहाँ पर बताना है. स्काइथोप, सैली, फ्लॉस्की, कॉलरिज, ग्लोरी, वर्ड्सवर्थ एंड साइप्रस बैरन. यहाँ पे फोर ऑप्शन आपके सामने है. द नाइटमेयर अभी इज अ वर्क ऑफ थॉमस लव पिकॉक, जिसमें उन्होंने कुछ राइटर को क्या किया था, कैरिकेचर्ड किया था, ठीक है. और उसमें कमेंट था किस पे, गॉथिक हिस्ट्री या रोमांटिक डिस्पेयर पर. तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा अनमैच्ड है, किसमें जो है मैचिंग नहीं हो रही है, कौन सा यहाँ पर पेयर जो है वो गलत लिखा हुआ है. तो आप मुझे बता सकते हैं कौन सा पेयर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, किसमें जो है मैच नहीं है. तो चलिए जल्दी से आप मुझे यहाँ पे बता दीजिए सही आंसर क्या होगा. नाइटमेयर अवे, ठीक है, थॉमस लव पिकॉक का ये वर्क है और उस समय ये काफी फेमस भी हुआ था. जो मॉडर्न लिटरेरी ट्रेंड्स थे उनके ऊपर ये कमेंट था, एक सटायर फॉर्म में है, ठीक है. तो रोमांटिक नॉवेला है, सटायर है ये एक तरह का. और ऑप्शन ए, काफी सारे लोग बता रहे हैं मुझे कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो चलिए मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि इसके जो कैरेक्टर्स हैं उसमें, ठीक है, सबसे पहले तो जो कैरेक्टर आ जाता है स्काइथ्रॉप का कैरेक्टर आता है, जो कि शैली से ही रिलेटेड है, तो वो बिल्कुल सही है. जेस्ट्रोजी जो शैली ने लिखा था, गॉथिक नॉवेल था, उसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट है. यहाँ पे सेंट अरविन भी था, ठीक है. उसके बाद आपका जो नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाता है वो है मिस्टर फर्नांडो फ्लॉस्की का, जो कि कॉलरिज है, ठीक है. और कुबला खान इन्होंने लिखा था, बायोग्राफिया लिटरेरिया लिखा था. तो जो यहाँ पे एडमिन फर्नांडो फ्लॉस्की का कैरेक्टर है वो कॉलरिज का है, यानी ये भी बिल्कुल मैच कर रहा है, इसमें भी कोई गलती नहीं है. एंड देन आता है मिस्टर साइप्रस का, चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिम लिखा था इन्होंने, साइप्रस का कैरेक्टर है बैरन का. लेकिन वर्ड्सवर्थ को उन्होंने जो है यहाँ पर कैरिकेचर नहीं किया है, ठीक है, वर्ड्सवर्थ को कैरिकेचर नहीं किया है. तो ये मिस मैच कैरेक्टर है, ठीक है, ये क्या है, मिस मैच कैरेक्टर है यहाँ पे. तो इसको आप ध्यान रखें, ये मिसमैच्ड कैरेक्टर है. ओके, तो यहाँ पर यही ऑप्शन आपका सही होगा, बाकी तीनों के तीनों इस वर्क में हैं. नाइटमेयर अबे में आपको स्काइथ्रॉप का कैरेक्टर शेली के लिए है, फर्नांडो फ्लॉस्की का कैरेक्टर कॉलरिज के लिए है, एंड मिस्टर साइप्रस का कैरेक्टर बैरन के लिए है. लेकिन ग्लोरी का कैरेक्टर कोई नहीं है, वर्ड्सवर्थ को उन्होंने कैरिकेचर यहाँ पे नहीं किया है, ठीक है. तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ड्सवर्थ यहाँ पर जो है वो अनमैस्ड कैरेक्टर है, वर्ड्सवर्थ का कैरेक्टर यहाँ पर नहीं है. नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच इज द कंपेनियन पोयम ऑफ यूलेसिस, मैरियाना, टिथोनस, द प्रिंसेस, द एपिक. यह भी मैंने क्लास में आपको पढ़ाते समय बताया था जब मैं विक्टोरियन पीरियड पढ़ा रही थी. तो यहाँ पे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं विच इज द कंपेनियन पोयम ऑफ यूलेसिस, मैरियाना, टिथोनस, द प्रिंसेस, द एपिक. चलिए जल्दी से मुझे यहाँ पर आंसर आप करके बता सकते हैं कि विच ऑफ द कंपेनियन पोयम ऑफ यूलिसिस, ठीक है, यूलिसिस की कंपेनियन पोयम कौन सी है. योर ऑप्शंस आर मैरियाना, टिथोनस, द प्रिंसेस एंड द एपिक. विच वन इज द करेक्ट हियर, गिव मी द करेक्ट आंसर. विच वन इज द करेक्ट हियर, विच पोयम इज द कंपेनियन पीस ऑफ यूलिसिस. ओके, ऑप्शन सी उजाली जी ने दिया है, नीलम छाया. तो चलिए यहां पर मैं आपको बताती हूँ, दिस इज द टिथोनस. टिथोनस को जब मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, जब मैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पढ़ा रही थी आप लोगों को, तो मैंने आपको बताया था कि टिथोनस जो पोयम है इसमें भी एक अर्ज है किसकी, मॉर्टैलिटी की, ठीक है. इमोर्टैलिटी के बारे में बात करी गई, डिजायर की बात है, लेकिन यूलिसिस से थोड़ी सी डिफरेंट है. बट इट वॉज द कंपेनियन पोयम, ठीक है, इट वॉज द कंपेनियन पोयम ऑफ यूलिसिस. कुछ मायने में अगर बात करी जाए तो ये क्या है, कंपेनियन पोयम है किसकी, यूलिसिस की है. तिथोनस में अरोरा जो होती है, जिन्होंने उसको इमोर्टैलिटी तो दे दी थी तिथोनस को, लेकिन वो उसे यंग एज देना भूल गई थी, और बिना यंग एज के इमोर्टैलिटी किसी काम की नहीं है, ये थीम थी इसकी. और दिस वॉज द पैरेलल पोयम, दिस वॉज द कंपेनियन पीस ऑफ यूलिसिस. ओके, नेक्स्ट है माई मैन माई सन फॉर्मिंग द एक्सिस वाइल आई वाइफ एंड मदर इन सिग्निफिकेंट लाइक अ फ्लाई क्लाइम द ग्लास पेन्स ऑफ देयर आईज, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम एन इंट्रोडक्शन, द ओल्ड प्ले हाउस, अ विडोज लैमेंट, द लेटेस्ट वाई. ये भी नेट का ही क्वेश्चन है. तो माई मैन माई सन्स फॉर्मिंग द एक्सिस वाइल आई वाइफ एंड मदर इन सिग्निफिकेंट लाइक अ फ्लाई क्लाइम द ग्लास पेन्स ऑफ देयर आईज, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम एन इंट्रोडक्शन, द ओल्ड प्ले हाउस, अ विडोज लैमेंट, द लेटेस्ट.
ट्राई। चलिए मुझे बताइए सही आंसर क्या होगा। नहीं मनीषा जी, विक्टोरिया नेस अभी मैंने पढ़ाया है, उसमें अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को मैंने पूरा रिवाइज किया हुआ है, तो उसके अंदर मैंने ये पॉइंट आपको बताया था आप लोगों को कि टिथोनस वॉज कॉल्ड द कंपेनियन पीस ऑफ यूलेसिस। चले यहाँ पे मुझे बताइए, माई मैन माई सन्स फॉर्मिंग द एक्सिस व्हाइल आई वाइफ एंड मदर इन सिग्निफिकेंट लाइक अ फ्लाई क्लाइम द ग्लास पेन्स ऑफ दियर आईज, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम एन इंट्रोडक्शन, द ओल्ड प्ले हाउस, अ विडोज लैमेंट, द लेटेस्ट ट्वाय। चलिए आंसर भी आ रहे हैं सबके, सी वाले ऑप्शन आ रहे हैं। यस वेरी गुड, करेक्ट आंसर। ये भी नेट का ही क्वेश्चन था, अभी जो नेट हुआ है 14 जून को। वेरी गुड, अ विडोज लैमेंट, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम अ विडोज लैमेंट बाई कमला दास। वेरी गुड। नेक्स्ट है, आई डू नॉट रिमेम्बर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ मेड सो ग्रेट इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज द स्टेटमेंट मेड बाय। चले यहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं सही आंसर क्या होगा, ठीक है, कि विच वन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये स्टेटमेंट किसका था, आर्नोल्ड एलियट गेटे कार्लाइल। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर था इसका, सभी लोगों के लगभग सही थे। तो चलिए यहाँ पर मुझे बताइए, ये जो लाइन है, आई डू नॉट रिमेम्बर, ठीक है, दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ मेड सो ग्रेट इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, ये लाइन किसकी है, जल्दी से मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और काफी बार ये कोटेशन आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो जल्दी से मुझे आप बता दीजिए अगर आपने जाना है, ठीक है, अगर आपको पता है, अगर आप जान रहे हैं तो मुझे आप जरूर बताइए। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए क्या होगा, सबके आंसर सी आ रहे हैं, यानी गेटे। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही, गेटे ने कहा ये स्टेटमेंट है। वेरी गुड, शेक्सपियर ने कहा है ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस बाय द ऑफ शेक्सपियर, ठीक है, एंड ही सेज दैट आई डू नॉट रिमेम्बर दैट एनी बुक ऑफ पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ सो मेड सो ग्रेट इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेस ऑफ शेक्सपियर। वेरी गुड, ऑप्शन सी, ये गेटे का ही जो है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है यहाँ पर, वेरी गुड, चलिए अच्छी बात है कि आपको रटा हुआ है, अगर एग्जाम में आता है तो आप बहुत आराम से कर सकेंगे। ऑल थिंग्स दैट लव सन आर आउट ऑफ डोर्स इज रिमार्केबल लाइन फ्रॉम लूसी पोएम्स द टेबल टर्न रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस टिंटन एबे। चलिए मुझे यहाँ पर बताइए कि ये जो लाइन है, ऑल थिंग्स दैट लव सन आर आउट ऑफ डोर्स इज अ रिमार्केबल लाइन फ्रॉम लूसी पोएम द टेबल टर्न रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस टिंटन एबे, विच वन इज द करेक्ट। जल्दी से मुझे यहाँ पे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या होगा सही आंसर, विच वन इज द करेक्ट आंसर। ऑल थिंग्स दैट लव सन आर आउट ऑफ डोर्स इज अ रिमार्केबल लाइन फ्रॉम लूसी पोएम्स द टेबल टर्न रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस टिंटन एबे। चलिए जल्दी से मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि ये जो लाइन है ये कहाँ से ली गई है। कोई चीटिंग किसी को नहीं करनी है, इट्स योर प्रैक्टिस, और आप जितना कोशिश करोगे अच्छा आंसर करने की, जितने मन से आंसर करने की कोशिश करोगे, उतना ही अच्छी आपकी एक रिवीजन हो जाएगी चीजों की, और आपको पता भी चलेगा कि कहाँ पर आपको रिवीजन करने की जरूरत है, कहाँ पर आपको आपका वीक पॉइंट है, कहाँ पे चीजों को आपको थोड़ा सा और पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। यस दिस इज द लाइन फ्रॉम रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, एक बार मैंने और भी पूछा था, ठीक है, तो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस की लाइन है, ऑल थिंग्स दैट लव द सन आर आउट ऑफ डोर्स द स्काई रिजॉइसेस इन द मॉर्निंग बर्ड द ग्रास इज ब्राइट विद रेन ड्रॉप्स, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये आपका रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस यानी द लीच गैदरर से लिया गया है, जो कि एक रियल इवेंट पर बेस्ड था, द लीच गैदरर, ठीक है, ये इसका सब टाइटल भी था, तो ठीक है यहीं से ये पोयम से इसी से लिया गया, जिसमें वर्ड्सवर्थ का एनकाउंटर एक ओल्ड लीच गैदरर से हुआ था, जिसने उनके अंदर एक होप को फिर से जो है जगाया था, तो ये द लीच गैदरर की लाइन है, ठीक है, द लीच गैदरर की लाइन है, और इसमें मनीषा का बिल्कुल सही हुआ है, छाया ने भी सही आंसर किया है, शोभा का भी सही है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, मार्गरेट एटवुड
has tried a revisionist writer of a crucial scene in Hamlet called Gertrude Talkbacks. The scene in Atwood opens with a reference to the name of an implied listener. Who is the implied listener? Hamlet, Ophelia, Polonius, Claudius. Margaret Atwood has tried a revisionist writer or writing of a crucial scene in Hamlet called Gertrude Talks Back. The scene in Atwood opens with a reference to the name of an implied listener. Who is this implied listener? तो मार्गरेट एटवुड इज वेरी इंपॉर्टेंट कैनेडियन राइटर एंड इनके इनको आपको नेट में पढ़ना पड़ेगा, नेट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और इनका एक वर्क है गर्ट्रूड टॉक्स बैक जो कि हैमलेट पर बेस्ड है. हैमलेट जो थी वो आपको पता ही है, फोर फेमस ट्रेजेडीज में से एक है. तो शेक्सपियर की हैमलेट के एक सीन पर बेस्ड है ये और फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिखा गया है. ठीक है, गर्ट्रूड का पॉइंट ऑफ व्यू इसमें रखा गया है कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गर्ट्रूड. ठीक है, गर्ट्रूड वाज द मदर ऑफ हैमलेट. तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें एक इम्प्लाइड लिसनर था. जब उन्होंने इसमें जो ओपन सीन जो ओपन होता है एटवुड में, तो एटवुड के वॉक में वहां पे एक इम्प्लाइड लिसनर है. गर्ट्रूड टॉक्स बैक है, यानी गर्ट्रूड किसी से बात कर रहे हो, तो वो एक इम्प्लाइड लिसनर है. और वो कौन है? एंड दिस वॉज द हैमलेट. ठीक है, इट वॉज द हैमलेट. हैमलेट के सामने वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है. ठीक है, इसमें गर्ट्रूड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वॉक है. गर्ट्रूड का पॉइंट ऑफ व्यू है, फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, और इसमें हैमलेट जो है वो इम्प्लाइड लिसनर है, जिससे कि अपनी जो बातें है गर्ट्रूड कह रही है, यानी जो गर्ट्रूड ने अपनी बातें कही है टॉक बैक जो है वो हैमलेट इज द इम्प्लाइड लिसनर. ठीक है, हैमलेट वॉज द इम्प्लाइड लिसनर इन दिस वॉक, नॉट पोलोनियस नॉट क्लाउडस, इट वॉज हैमलेट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, so the next question is here. William Wordsworth's statement of purpose in publishing the lyrical ballads carries the following phrase. Complete the phrase correctly. To choose incidents from common life and to relate or describe them throughout as far as possible. Blank space. In a selection of language rarely used by men. In a relation of language rarely used by men. In a selection of language really used by common man, in a difference to language actually used by man. चलिए, next यहाँ पर आपके सामने option है और आपको बताना है सही answer इसमें क्या हो. ठीक है, यहाँ पर आपको एक phrase fill करनी है और आपको बताना है ये जो work है. ठीक है, ये जो lyrical ballad से related यहाँ पे work दिया हुआ है, इसमें सही answer क्या होगा. चलिए, यहाँ पर हम बात करते हैं 1800 में लिरिकल बैलेट में एक प्रीफेस ऐड किया गया था. ठीक है, एक प्रीफेस ऐड किया गया था 1800 में और उसी का ये स्टेटमेंट है. और स्टेटमेंट था टू चूज इंसिडेंट्स फ्रॉम कॉमन लाइफ एंड टू रिलेट और डिस्क्राइब देम थ्रू आउट एज फॉर एज पॉसिबल इन अ सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज यूज्ड रियली यूज्ड बाय मेन, नॉट कॉमन मेन. वहां पर उन्होंने कॉमन मेन नहीं लिखा है, जो लिखा है उन्होंने कॉमन लाइफ एंड यूज्ड बाय मेन लिखा है. ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही नहीं है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. देखो, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो, जो उन्होंने प्रीफेस लिखा है, ठीक है, प्रीफेस के अंदर उनकी जो लाइन है, जो स्टेटमेंट है, वो है टू चूज इंसिडेंट फ्रॉम कॉमन लाइफ एंड टू रिलेट और डिस्क्राइब देम थ्रू आउट एज फॉर एज पॉसिबल इन अ सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मेन. ठीक है, दिस वॉज नॉट रिलेटेड रियली यूज्ड बाय कॉमन मैन, इट वॉज रियली यूज्ड बाय मेन. So the next question is, Robert Graves in Broken Images ends thus. He in a new confusion of his understanding, I in a new understanding of my confusion. The figure of his speech here is chiasmus, inversion, catechresis या फिर jigma. तो यहाँ पर मुझे आप बताइए सही क्या होगा, chiasmus, inversion, catechresis या फिर jigma. यहां से तो बिल्कुल सही है नूतन जी. तो यहां पर आप मुझे बता सकते हैं कि यहां पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच जो है वो यूज करी हुई है.
तो चलिए जल्दी से मुझे यहाँ पर बताइए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज हुई है, क्यास्मस, इन्वर्जन, कैटाकेरेसिस या फिर युग्मा। रॉबर्ट ग्रेवीज, एक रॉबर्ट ग्रेव्स का एक वर्क है इन ब्रोकन इमेजेस, और यहाँ पर लाइन है ही इन अ न्यू कंफ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, आई इन अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई कंफ्यूजन। ओके वेरी गुड मनीषा एंड शोभा, वेरी गुड। तो क्यास्मस, क्यास्मस इज अ फिगर ऑफ स्पीच जहां पर क्या होता है, टू आर मोर क्लॉजेस आर रिलेटेड थ्रू अ रिवर्सल ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, टू आर मोर क्लॉजेस आर रिलेटेड थ्रू अ रिवर्सल ऑफ स्ट्रक्चर टू मेक अ लार्जर पॉइंट, ठीक है। तो पैरालेलिज्म जो है आपका, पैरालेलिज्म जो है इससे रिलेटेड है जब दो या दो से अधिक जो क्लॉज होते हैं वो इस तरह से रिलेटेड होते हैं कि उनके स्ट्रक्चर का रिवर्सल हो जाता है, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर का क्या होता है, रिवर्सल हो जाता है। तो कि यहाँ पर क्या, ही इज अ न्यू कंफ्यूजन, ही इज अ न्यू कंफ्यूजन, और यहाँ पर क्या है, जब ही इज अ न्यू कंफ्यूजन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, एंड देन यहाँ पर दिया हुआ है क्या, ऑफ इज अंडरस्टैंडिंग, और यहाँ पे देखो रिवर्सल हो गया है, अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड माई कंफ्यूजन, तो यहाँ पर क्या हुआ, रिवर्सल हुआ है, ठीक है। यस ब्यूटी इज टू ट्रूथ ब्यूटी, तो यहाँ पर क्यास्मस इज द करेक्ट आंसर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम डज नॉट बिगिन इन द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। शेलीज एडोनायस, बैरन डॉन जॉन, कीट्स लामिया, कॉलरिज द एओलियन हार्प। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी पोयम जो है, ठीक है, वो आपकी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में स्टार्ट नहीं हुई है। चलो ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सी पोयम है जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है, कौन सी पोयम है जिसका जो पहला लाइन है वो फर्स्ट पर्सन में नहीं है। यस उल्टा सीधा एक समान नहीं कह सकते, हाँ थोड़ा सा ये है कि रिवर्सल जो होता है वहां पर क्लॉजेस का होता है टू मेक अ पॉइंट बिगर। ओके चलिए जल्दी से मुझे बताइए कि यहाँ पर कौन सी पोयम है जिसकी स्टार्टिंग जो है वो प्रोनाउन के थ्रू नहीं है, ठीक है, और जल्दी से मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि किसकी जो यहाँ पर आपके सामने कई सारा वर्क लिखा हुआ है एक्चुअली, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा वर्क है जिसमें जो है स्टार्टिंग लाइन कह सकते हैं जिसकी आपको मिलेगी, बट उसमें क्या है प्रोनाउन के साथ में वो नहीं है। देखिए नॉट कंफर्म्ड का यहाँ पे तो कोई नहीं है ऑप्शन, ऑप्शन ए बता रहे कुछ लोग। चलिए यहाँ पर आप मुझे और भी ऑप्शन, आप और भी लोग आंसर कीजिए फटाफट से, और भी लोग आंसर कीजिए कि क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग सही क्या होगा। चलिए जब जितने भी आंसर्स हैं सभी लोग आंसर कीजिए, फिर मैं यहाँ पे आपको आंसर बताती हूँ कि सही आंसर क्या होगा। देखिए आपने यहाँ पे दो चार चीजें पढ़, दो चीजें यहाँ से आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक है, अगर आप टीजीटी या पीजीटी भी दे रहे हो, मान लीजिए आप पीजीटी का एग्जाम एग्जाम देने वाले हो, तो आपने कीट्स को पढ़ा है, आपने सली को पढ़ा हुआ है, कीट्स एंड सली को आपने जब पढ़ा हुआ है, तो कीट्स एंड सली को जब आपने पढ़ा हुआ है तो आपने जब उन दोनों को पढ़ा है तो उनके वर्क को आपको पता होगा कि एडोनायस में क्या है, लामिया में क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर बात करें द एओलियन हीप की, तो यहाँ पर जब स्टार्ट होती है तो माई पेंसिव सारा से स्टार्ट होता है, माई पेंसिव सारा, यानी यहाँ पे क्या है माई से रिलेटेड है, ठीक है, माई से रिलेटेड, यानी यहाँ पे प्रोनाउन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, काफी सारे लोग हैं सी या बी वाले में आप लोग दो ने आंसर किया हुआ है, कोई नहीं। यहाँ पे अगर बात करते हैं एडोनायस की, तो एडोनायस में क्या है, आई वी फॉर एडोनायस, ये स्टार्टिंग लाइन है, आई वी फॉर एडोनायस, यहाँ पे आपका प्रोनाउन यूज हुआ है। डॉन जॉन की बात करें तो यहाँ पर भी आई वॉन्ट अ हीरो, आई वॉन्ट अ हीरो, ठीक है, यहाँ भी आपका क्या है, आपका जो है प्रोनाउन से है। अगर कीट्स की लामिया की बात करते हैं तो इसकी स्टार्टिंग है अपॉन अ टाइम बिफोर द फेरी ब्रूट्स, अपॉन अ टाइम बिफोर द फेरी ब्रूट,
आपको मैंने कई बार कहा है कि आप ओपनिंग लाइंस एंड एंडिंग लाइंस को जरूर पढ़िए, अगर कोई वर्क बड़ा है पूरा अगर आप नहीं, वैसे तो आपको एक बार पूरा टेक्स्ट पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप इन केस नहीं भी पढ़ रहे हैं तो ओपनिंग एंड एंडिंग लाइन आपको जरूर आनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपको ओपनिंग लाइन पता होती है एडोनिस एंड लामिया की, तो आप बहुत इजिली बता सकते थे कि लामिया में जो है वो प्रोनाउंस स्टार्टिंग नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने डी नहीं पढ़ा, लेकिन आपने अगर लामिया पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे सही आंसर लामिया है। ठीक है, अगर कीट्स की लामिया को आपने पढ़ा हुआ है, अपॉन अ टाइम बिफोर द, ठीक है, बिफोर द फेरी ब्रूड यहाँ पे स्टार्ट है, ड्रू द नेम एंड सटेर फ्रॉम द प्रॉस्परस वर्ल्ड, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी तीनों में प्रोनाउंस से स्टार्टिंग है, लेकिन जो लामिया है उसमें प्रोनाउंस से स्टार्टिंग नहीं है। ये नेट का क्वेश्चन था। ठीक है, तो कीट्स की लामिया, लामिया ऐसा वर्क है जिसकी स्टार्टिंग अपॉन अ टाइम से। ओके, नेक्स्ट है, बाय द एंड ऑफ इन मेमोरियम द स्पीकर री एम्ब्रेसेस अ क्रिश्चियन विजन ऑफ आफ्टर लाइफ, री असर्ट रिलीजियस डाउट एंड साइंटिफिक स्केप्टिसिज्म, रिट्रेड्स द डार्विनियन व्यू ऑफ सोशल लाइफ, रीअफर्म्स द फेथ इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और बताइए कि सही आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से यहाँ पर आप मुझे बताइए, बाय द एंड ऑफ इन मेमोरियम द स्पीकर री एम्ब्रेसेस अ क्रिश्चियन विजन ऑफ आफ्टर लाइफ, बिल्कुल पढ़िए संजय जी, बिल्कुल पढ़िए मनीषा, जरूरी है पढ़ना रोहिणी। तो री एम्ब्रेसेस अ क्रिश्चियन विजन ऑफ आफ्टर लाइफ, री असर्ट रिलीजियस डाउट्स एंड साइंटिफिक स्केप्टिसिज्म, रिट्रीट्स द डार्विनियन व्यू ऑफ सोशल लाइफ, एंड रीअफर्म्स हिज फेथ इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विच वन इज द करेक्ट। चलिए जल्दी से आप मुझे आंसर कर दीजिए कि कौन सा यहाँ पर जो है वो सही होगा, विच वन इज द करेक्ट। यस, वेरी गुड, बाय द एंड ऑफ इन मेमोरियम। ठीक है, इन मेमोरियम की अगर बात करी जाए तो इन मेमोरियम इज अ वेरी फेमस वर्क ऑफ, किसका वर्क है इन मेमोरियम? टेनिसन का। ठीक है, तो इन मेमोरियम जो है काफी फेमस वर्क है, आर्थर हैलम जो था उनके लिए इन्होंने लिखा, और यहाँ पे जो सही होगा वो होगा ऑप्शन ए, री एम्ब्रेसेस अ क्रिश्चियन विजन ऑफ आफ्टर लाइफ। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, अ पॉइजन ट्री, द डिजर्टेड विलेज, द ब्लेसेड डैमोजेल, ओजीमैंडियस। द डिजर्टेड विलेज, अ पॉइजन ट्री, ओजीमैंडियस, द ब्लेसेड डैमोजेल, द ब्लेसेड डैमोजेल, अ पॉइजन ट्री, द डिजर्टेड विलेज, ओजीमैंडियस, और द डिजर्टेड विलेज, द ब्लेसेड डैमोजेल, ओजीमैंडियस, अ पॉइजन ट्री। तो चले यहाँ पर मुझे बताइए, काफी फेमस वर्क है, जो भी यहाँ पे आपके सामने फोर वर्क्स दिए गए हैं ये फेमस वर्क है, काफी ज्यादा फेमस वर्क है, और अगर आपने ये हर एक एज से रिलेटेड है, मैं आपको हिंट कर रही हूँ, ये एक एक एज से रिलेटेड वर्क्स है आपके। ठीक है, तो अगर आपने किसी भी एज के प्रोमिनेंट राइटर को पढ़ा है, उनके फेमस वर्क को बारे में सुना है, तो आप आइडिया लगा सकते हो यहाँ पे कि कौन सा सही हो सकता है, यू कैन गेस कि विच वन इज द करेक्ट। चलिए जल्दी से मुझे यहां पर बताइए कि कौन सा आपको लग रहा है सही होगा। चलिए यहां पर अगर हम बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करते हैं तो द डिजर्टेड विलेज, अभी मैंने आपको क्लास में बताया था कि ओलिवर गोल्डस्मिथ की ये बहुत ही फेमस वर्क है द डिजर्टेड विलेज। ठीक है, ये किसका है? ओलिवर गोल्डस्मिथ का, जिनको आप कह सकते हैं। ठीक है, इनका था, ये आया था 1770 में। देन आपका अ पॉइजन ट्री, विलियम ब्लेक। ठीक है, विलियम ब्लेक का है, जिनको कि आप प्री रोमांटिक्स मान सकते हैं। ठीक है, प्री रोमांटिक विलियम ब्लेक, विलियम ब्लेक, जिन्होंने बहुत अच्छा वर्क लिखा है द मैरिज ऑफ हेल एंड हेवन, जिसमें उन्होंने मिल्टन को डेविल के साइड में बताया हुआ है, और ये 1794 में आया था, 1794। देन आपके पीबी शैली आ जाते हैं, पीबी शैली का ओजीमैंडियस, आई एम द किंग ऑफ किंग। ठीक है, ये आया था इनका 1818 में, और
फिर कल की क्लास में आप लोगों ने प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड पढ़ा था, जिसके अंदर मैंने आपको डीजी रोजेटी के बारे में बताया था और इनका वर्क बताया था द ब्लेसेड डैमोजेल, जो कि आया था 1850 में। ठीक है, तो ये कल की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था। तो द ब्लेसेड डैमोजेल लास्ट में अगर आप देखते हैं तो सिर्फ इसी के अंदर था, और कल की क्लास में भी आपने पढ़ा था कि ये विक्टोरियन एज से रिलेटेड है। तो ये विक्टोरियन एज से रिलेटेड है, यहाँ पर विक्टोरियन हो गया, यहाँ पे रोमांटिक से ओजीमेंडियस, ठीक है, क्योंकि साली थे। लेट रोमांटिक में अगर बात करें, ये प्री रोमांटिक की बात हो गई, और ये ट्रांजिशनल एज की बात कर सकते हैं जब क्लासिकल एज खत्म हो रहा था और रोमांटिक एज स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, तो ये आपके थे जो कि फोर मेजर एजेस से बिलोंग करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट चारों वर्क हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल इंडियन इंग्लिश पोयम बाय नज़ीम एज़किल। हाउ द इंग्लिश लेसन एंडेड, द रेलवे क्लर्क, गुड बाय पार्टी टू फॉर मिस पुष्पा टी एस द पैट्रियॉट। चलिए तो जल्दी से मुझे बताइए कि यहाँ पर सही क्या होगा। टोटल 20 क्वेश्चन है, 19 नंबर का ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है। ठीक है, तो मुझे आप बताइए विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल इंडियन इंग्लिश पोयम बाय नज़ीम एज़किल। नज़ीम एज़किल जो थे वो इंग्लिश राइटर थे, ठीक है, इंग्लिश राइटर थे, ज्यूस राइटर थे, बट इंडियन ओरिजिन थी, और काफी फेमस ये राइटर रहे नज़ीम एज़किल। और यहाँ पर आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा है। इंडियन पोएट थे ये नज़ीम एज़किल। ओके, बी वाला ऑप्शन आप लोग कर रहे हैं, कोई नहीं। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन काफी फेमस वर्क थी, साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इनको मिला, पद्मश्री भी मिला इनको। तो चलिए यहाँ पे जो इनका टिपिकल इंडियन इंग्लिश पोएम नहीं थी, वो थी हाउ द इंग्लिश लेसन एंडेड। दिस वॉज रिटन इन द सिंपल टोन, बट इट वॉज नॉट अ टिपिकल इंडियन इंग्लिश पोएम। ठीक है, इंडियन इंग्लिश पोएम ये नहीं थी, सिंपल टोन में जरूर लिखी गई थी, बट इट वॉज नॉट अ इंडियन इंग्लिश पोएम। जैसे कि आप गुड बाय पार्टी, मान लीजिए आपने इनको इनको नहीं पढ़ा है, लेकिन गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस पढ़ा है, इसमें उन्होंने क्या किया, इंग्लिश स्पीकिंग जो है, इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग जो है उस पर एक कॉमेंट किया है, उस पर सटायर किया है। तो ऐसी कोई ये पोएम नहीं थी हाउ द इंग्लिश लेसन एंडेड, इट वॉज अ टोटली इंग्लैंड इंग्लिश पोएम इन इंग्लिश स्टाइल। ठीक है, तो हाउ द इंग्लिश लेसन एंडेड सिंपल टोन में लिखी गई पोएम है, बट इट वॉज द करेक्ट, इट वॉज नॉट अ टिपिकल इंडियन इंग्लिश पोएम। ओके, नेक्स्ट है, इन विच शॉर्ट स्टोरी डज द नैरेटर विटनेस अ कंजम्प्टिव यंग मैन नेम्ड मिस्टर सेनोर रिक्रिएट द ईव ऑफ सेंट अगेंस इन अ ट्रांस। द ईव ऑफ सेंट अगेंस जॉन कीट्स की है, ठीक है, किड्स का वर्क है ये द ईव ऑफ सेंट एगेंस। तो यहाँ पर आपको बताना है इन विच शॉर्ट स्टोरी डज द नैरेटर विटनेस अ कंजम्प्टिव यंग मैन नेम्ड मिस्टर साइनोर रिक्रिएट द ईव ऑफ सेंट एगेंस इन अ ट्रांस। योर ऑप्शंस आर ईएम फॉस्टर्स द इटर्नल मोमेंट, रुडयार्ड किपलिंग्स वायरलेस, समरसेट मॉगम्स द क्रिएटिव इंपल्स, एल्डस हक्सले द बुकशॉप। मनीषा जी, वहां पे ऑप्शन आपका थोड़ा चेंज हो सकता है, जहां पे आपको द पैट्रियट दिखाया होगा वहां पे हो सकता है आपको ये वाला पहला ऑप्शन ना दिया हो। संगीता जी, वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए आप मुझे आप बताइए कि सही आंसर यहाँ पे क्या होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा क्लास को, अगर आपको क्लास अच्छी लगी, क्वेश्चन अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं तो लाइक एंड शेयर आप कर सकते हैं। एंड कल से आपकी जो क्लास होगी वो नेट की होगी, और क्योंकि टीसीटी पीसीटी का सिलेबस कंप्लीट है, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी ऐसे ही, और क्लास भी एक दो होती रहेंगी, बीच में प्रैक्टिस भी होती रहेगी, लेकिन नेट की क्लास जो होगी वो आपकी ऐप पर होगी। ठीक है, तो जिनको भी नेट का एडमिशन लेना है दिसंबर बैच के लिए, वो एडमिशन ले सकते हैं पार्थ एजुकेशन ऐप पर जाकर के, वहां से आप नेट के लिए बैच जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, क्या आपको सही लग रहा है, कौन सा सही है, किसके अंदर में एक कैरेक्टर है, ठीक है, जिसने क्या किया है, जिसने कि सेंट जो है द ईव ऑफ सेंट एगेंस इसको रिक्रिएट किया है।
तो चले यहाँ पर सही है, बिल्कुल लेंगे रोहिणी जी। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, रुडयार्ड किपलिंग्स वायरलेस। ठीक है, वायरलेस इज अ स्टोरी, इज अ शॉर्ट स्टोरी विच वॉज पब्लिश इन स्क्रिबनर्स मैगजीन। ठीक है, स्क्रिबनर्स मैगजीन में ये पब्लिश हुई थी 1902 के अंदर में। और अगर बात करते हैं तो ये जो है इसको उन्होंने कलेक्ट किया था बाद में, ट्रैफिक एंड डिस्कवरीज में ये कलेक्ट हुई थी। और इसके अंदर जो कैरेक्टर है मिस्टर साइनोर का, इन्होंने क्या, ये जो मिस्टर साइनोर होते हैं ये कीट्स की पोयम जो है द ईव ऑफ सेंट एगेंस्ट, ठीक है, इसका टाइटल लेते हैं और एक पोयम कहते हैं। यहाँ पर द ईव ऑफ सेंट एगेंस्ट का जिक्र है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर किसकी बात है, द ईव ऑफ सेंट एगेंस्ट की। तो ये जॉन कीट्स की पोयम थी द ईव ऑफ सेंट एगेंस्ट, जिसको यहाँ पे जो कैरेक्टर है मिस्टर सायोनार वो यूज करते हैं। तो मिस्टर सायोनार रिक्रिएट द ईव ऑफ सेंट एगेंस्ट इन अ ट्रांस। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। कैसी लगी आपको आज की क्लास, टोटल 20 क्वेश्चंस थे और आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, और आप लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं क्लास को। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मनीषा जी बिल्कुल करवाएंगे, आपके एग्जाम से पहले आपकी काफी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, डोंट वरी। और ठीक है, तो क्लास लाइक एंड शेयर कीजिएगा। नेट के लिए अगर किसी को क्लास देना है तो नेट का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टीजीटी पीजीटी की प्रैक्टिस बीच बीच में होती रहेगी, कोर्स आपके सारे कंप्लीट है, आप रिविजन पे रखिए। प्रैक्टिस क्लास में अगर कोई आपकी डिमांड हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि मैम ये टॉपिक आप पब्लिक क्लास से लीजिए, मैं जरूर लूंगी इसको। आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कि मैम ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक पे आप एक पब्लिक क्लास ले लीजिए, बिल्कुल मैं उस पर पब्लिक क्लास लूंगी। कोई भी अगर आप डिमांड करते हो, ठीक है, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, उस पर जरूर पब्लिक क्लास भी लूंगी। अगर आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपकी प्रैक्टिस वगैरह आपकी होती रहेगी, लेकिन नेट की क्लास जो है वो ऐसे पब्लिक नहीं होगी, वो ऐप पर होगी। तो किसी को भी अगर क्लास का बैच चाहिए तो आप जरूर उसे ले सकते हैं। ठीक है, छाया वो क्या है, वैसा आप पोर्शन है ना कि आप जितना भी पढ़ो वो कम ही लगता है। वेरी गुड इवनिंग प्रदीप जी, आप काफी लेट है। थैंक यू रोहिणी, थैंक यू मनीषा, थैंक यू छाया, शोभा, प्रियंका, रोहिणी। नहीं, डिलीट नहीं होगा कुछ भी, डिलीट कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए ये आपकी क्लास थी, 20 क्वेश्चंस थे, आई होप आपको अच्छे लगेंगे। लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन जितना ज्यादा आप करेंगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल शोभा, तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, उतना ही ज्यादा आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो रिविजन करते रहिए, और साथ में मैं हूँ आपके लिए। कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे। एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, गुड नाइट।